जी बच्चों, हम पढ़ रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। इन्वायरमेंट हमने दो तरह का पढ़ा है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट, और दूसरे नंबर पे हमने बात की टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड इन्वायरमेंट की। एक्वेटिक इन्वायरमेंट दो तरह का था, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट और मरीन इन्वायरमेंट। मरीन इन्वायरमेंट हम पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले पार्ट के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं। इस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट की। तो मैं थोड़ा सा लास्ट टाइम वाला लेक्चर भी रिव्यू कर देता हूँ कि इन्वायरमेंट कितनी तरह का है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। इन्वायरमेंट दो तरह का हो सकता है। कौन कौन सी टाइप है इन्वायरमेंट की? इन्वायरमेंट की जो दो टाइप्स हैं उसमें पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे एक्वेटिक इन्वायरमेंट, जिसके बारे में हम कल थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, और फिर हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड इन्वायरमेंट। तो पहला जो इन्वायरमेंट की टाइप है वो है एक्वेटिक इन्वायरमेंट, और दूसरी जो टाइप है वो है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड इन्वायरमेंट। तो ये दो टाइप का इन्वायरमेंट हम पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट फर्दर दो तरह का होता है। एक्वेटिक इन्वायरमेंट फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट हो सकता है, जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, या फिर एक्वेटिक इन्वायरमेंट मरीन इन्वायरमेंट हो सकता है, जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मरीन इन्वायरमेंट हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मरीन इन्वायरमेंट में ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। इसके लिए हमने इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में लास्ट वीडियो पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन होती है। आज हम पढ़ेंगे फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में ऑस्मो रेगुलेशन। तो हमारी जो मेन हेडिंग है वो है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। फ्रेश वाटर के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट के अंदर बॉडी के लिहाज से क्या होगी, कम होगी। तो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट की हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं? कल की तरह जिस तरह मरीन इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में हमने बात की थी इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में भी इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स मौजूद होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में हम बात करेंगे यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन। ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के इनवर्टिब्रेट्स हैं, यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन। इसी तरह वर्टिब्रेट्स में हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, फिशेज वगैरह के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। फ्रेश वाटर फिशेज के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। अब क्वेश्चन ये है, यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन क्या चीज है? यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन से मुराद ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी सिंगल सेल पर मुश्तमिल है और वो एनिमल लाइक है। प्रो का मतलब है बिफोर, जुवन का मतलब है एनिमल, मोबाइल। तो प्रोटोजोअन एनिमल्स से पहले के ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे एनिमल्स का एवोल्यूशन हुआ है। तो प्रोटोजोअन को हम कह सकते हैं प्रोटोजोअन आर यूनिसेलुलर लाइक पैरामीशियम आ जाएगा इसमें, युग्लिना, और हम लिख सकते हैं अमीबा। ये है प्रोटोजोअन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वर्टिब्रेट्स में हम बात करेंगे फिशेज की, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। अब इनवर्टिब्रेट्स में ऑस्मो रेगुलेशन की प्रॉब्लम क्या है, और फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, इसकी बात करते हैं। इससे पहले मैं आपके सामने एक इनवर्टिब्रेट दिखाता हूँ, प्रोटोजोअन दिखाता हूँ। लाइक लेट्स सपोज हम कहते हैं, हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर
यूनिसेलुलर युगलीना। हम युगलीना का स्ट्रक्चर ड्रा करके देखते हैं इसके अंदर ओस्मोरेगुलेशन कैसे होती है। यूनिसेलुलर युगलीना ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा प्रोटोजोन है जिसके पास फ्लेजेला मौजूद होता है। ये इसके पास फ्लेजेला मौजूद है और इसको हम बोलते हैं युगलीना। अब इसके अंदर हम एग्जांपल के तौर पे युगलीना के अंदर देखेंगे ओस्मोरेगुलेशन कैसे होती है। ओस्मोरेगुलेशन के लिए हमें जरूरी है कि हम फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट को स्टडी करें। पहले फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, सेल्स के बाहर या ऑर्गेनिज्म के बाहर कम है। कहां पर? आउटसाइड। आउटसाइड इन्वायरमेंट में साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है और ऐसा इन्वायरमेंट जहां साल्ट की कंसंट्रेशन बाहर वाली साइड पे कम होती है हम उसको कहते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। तो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट कौन सा इन्वायरमेंट है? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है जहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन आउटसाइड पे बाहर है। मैं यहां पे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट दिखाता हूं जहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन सेल्स के या ऑर्गेनिज्म के बाहर है। साल्ट क्या है? इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर साल्ट कम है। इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर साल्ट क्या है? साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है रिलेटिवली किस लिहाज से? बाहर के लिहाज से। अब हमने पढ़ा था जहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वाटर मॉलिक्यूल्स वहां मूव करते हैं ऑस्मोटिकली, तो बाहर वाली साइड से क्या होगा? फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स मौजूद है, वाटर मौजूद है, ये वाटर एंटर होगा कहां पर? इस यूनिसेलुलर प्रोटोजोन की बॉडी के अंदर। तो इनकी प्रॉब्लम फिर क्या हुई? एक्सेसिव इनफ्लडिंग ऑफ वाटर इनटू द प्रोटोजोन। तो हम इसकी प्रॉब्लम की बात करते हैं। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म की प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम है एक्सेसिव इनफ्लडिंग ऑफ वाटर। वाटर की इनफ्लडिंग हो रही है, इनफ्लडिंग ऑफ वाटर। वाटर की इनफ्लडिंग हो रही है। इसके लिए इन ऑर्गेनिजम्स के पास सॉल्यूशन क्या है? इनके पास सॉल्यूशन ये है, इन ऑर्गेनिजम्स के पास कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं जिनको हम नाम देते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या करते हैं? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स को अब्सॉर्ब करते हैं और ये क्या करेंगे? कंट्रैक्ट कर देंगे। कंट्रैक्टाइल से मुराद है ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास एबिलिटी है कंट्रैक्ट करने की। ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या करेंगे? ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को पकड़ेंगे और उसके बाद ये कंट्रैक्ट करके उनको वाटर के मॉलिक्यूल्स को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ने वाटर के मॉलिक्यूल्स को या फिर वाटर को क्या करना है? बॉडी से बाहर रिमूव करना है। तो रिमूवल ऑफ वाटर के लिए इन ऑर्गेनिजम्स के पास कंट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद है। ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेंगे? दे विल रिमूव एक्सेसिव वाटर फ्रॉम दी बॉडी ऑफ प्रोटोजोन। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? सलूशन में हम लिखेंगे प्रोटोजोन की प्रॉब्लम का सलूशन है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या करते हैं? दे रिमूव एक्सेसिव वाटर फ्रॉम दी बॉडी ऑफ प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन की बॉडी से एक्सेसिव वाटर को रिमूव करेंगे कौन? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये तो हमने बात की इनवर्टिब्रेट्स की। इनवर्टिब्रेट्स ओस्मोरेगुलेशन किस तरह से करते हैं? अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स किस तरह से ओस्मोरेगुलेशन के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं? तो दूसरी जो हम हेडिंग लिखते हैं वो है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में
किस तरह से ओस्मो रेगुलेशन होगी। ये दो हेडिंग्स हम पढ़ रहे थे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, और दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के अंदर किस तरह से ओस्मो रेगुलेशन होती है। वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है। तो वर्टिब्रेट्स में हम पढ़ेंगे फिशेज के बारे में, फिशेज के अंदर ओस्मो रेगुलेशन किस तरह से होगी। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर ओस्मो रेगुलेशन, फ्रेश वाटर वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के बारे में, फिशेज के बारे में पढ़ेंगे कहां पर, फ्रेश वाटर के अंदर। लास्ट टाइम हमने फिशेज के बारे में पढ़ा कहां पर, मरीन इन्वायरमेंट के अंदर। अभी हम पढ़ेंगे फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर। तो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में किस तरह से ओस्मो रेगुलेशन होगी। अब फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट वही इन्वायरमेंट है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, जहां पर कौन सा इन्वायरमेंट है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, जहां पर हाइपोटोनिक का मतलब है साल्ट की कंसंट्रेशन बाहर वाली साइड पे कम होती है। लाइक लेट्स सपोज मैं एक फिश ड्रा करता हूँ, और इस फिश के अंदर हम देखेंगे फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में ओस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। इस फिश के अंदर हम फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में ओस्मो रेगुलेशन को स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज कि ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाली फिश दिखाई गई है, इस फिश के अंदर ओस्मो रेगुलेशन कैसे होगी फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम आपके सामने है इन फ्लडिंग ऑफ वाटर, वाटर की इन फ्लडिंग होगी इस फिश की बॉडी के अंदर। तो साल्ट बाहर वाली साइड पे, मैं साल्ट की कंसंट्रेशन दिखा रहा हूँ, बाहर वाली साइड पे साल्ट की कम कंसंट्रेशन मौजूद है। इसका मतलब है इन फिशेज की बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब होगा क्या, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल, मैं वाटर के मॉलिक्यूल दिखाता हूँ, वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल ऑस्मोटिकली इनवर्ड मूव करेंगे और ये बॉडी के अंदर एंटर होंगे। तो इन फिशेज की प्रॉब्लम क्या है, एंट्री ऑफ वाटर इनटू द बॉडी। अब जब वाटर एंटर होगा तो वाटर इन साल्ट्स को अपने साथ लेके बाहर मूव कर देगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इन फिशेज को प्रॉब्लम है, इनकी बॉडी से साल्ट्स रिमूव हो जाते हैं वाटर की वजह से। तो वाटर की इन फ्लडिंग की वजह से इनकी बॉडी से साल्ट्स बाहर मूव कर देंगे। तो इन फिशेज की प्रॉब्लम क्या है, इन फिशेज की प्रॉब्लम है एंट्री ऑफ वाटर, के वाटर को एंटर होने से बचाया जाए और साल्ट जो कि वाटर अपने साथ लेके जा रहे हैं उन साल्ट्स को मेंटेन रखा जाए। तो ये फिशेज क्या करती हैं, इनकी प्रॉब्लम को पहले डिस्कस करते हैं। इनकी प्रॉब्लम है एंट्री ऑफ वाटर, पहले नंबर पे तो वाटर की एंट्री हो रही है बॉडी के अंदर, वाटर की इनफ्लडिंग हो रही है, दूसरे नंबर पे रिमूवल ऑफ साल्ट्स विद वाटर, वाटर के साथ साल्ट्स भी बाहर लीच कर जाते हैं, साल्ट्स भी इनकी बॉडी से बाहर मूव कर जाते हैं। तो जिसकी वजह से इन फिशेज को दो प्रॉब्लम है, एक तो वाटर की एंट्री है और दूसरे नंबर पे क्या है, इनको साल्ट्स का लेवल मेंटेन रखना पड़ेगा। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के अंदर सलूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, सलूशन ये है, इन फिशेज के अंदर एडाप्टेशन मौजूद होती है। हमने कहा था अगर ऑर्गेनिजम्स हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है तो उसके पास ऐसी एडाप्टेशंस मौजूद होंगी जिसकी मदद से वो हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में वाटर और साल्ट के लेवल को रेगुलेट करेगा। तो इसके लिए सलूशन क्या है, इनके पास एडाप्टेशंस मौजूद हैं। कौन सी एडाप्टेशंस मौजूद हैं, एडाप्टेशंस, ये फिशेज ऐसा यूरिन प्रोड्यूस करेंगी जिसके अंदर साल्ट्स क्या हो कम से कम हो और वाटर क्या हो ज्यादा से ज्यादा हो। लाइक इन फिशेज के अंदर जो यूरिन प्रोड्यूस होगा उस यूरिन के अंदर साल्ट का लेवल बहुत कम होगा, बहुत कम साल्ट रिलीज किए जा रहे हैं, और वाटर क्या होगा ज्यादा होगा।
साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी और वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ये है कि ये फिशेज डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगी। तो अडाप्टेशन में हम लिख सकते हैं, पहली अडाप्टेशन क्या है, ये फिशेज क्या करती हैं, दे प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन। ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, ऐसा यूरिन जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो और वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो। दूसरे नंबर पे ये ऐसा फूड लेंगी, इनका फूड इनटेक ऐसा होगा जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो। तो साल्टी फूड को प्रेफर करेंगी। और हाइपरटॉनिक एनवायरनमेंट में हमने कहा था फिशेज इंटेंशनली ड्रिंक वाटर, ये फिशेज वाटर ड्रिंकिंग नहीं करेंगी, दे डोंट ड्रिंक वाटर, ये वाटर को नहीं लेंगी, डोंट ड्रिंक वाटर। तो ये हमने बात की है फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में वर्टिब्रेट्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है। इसके बाद जो तीसरा एनवायरनमेंट है, मैरीन एनवायरनमेंट हम पढ़ चुके हैं, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने लगे हैं टेरेस्ट्रियल या फिर ड्राई लैंड एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल या ड्राई लैंड एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट है, टेरेस्ट्रियल या फिर ड्राई लैंड एनवायरनमेंट, लैंड एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट के ऊपर जो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स मौजूद हैं उनके अंदर ऑस्मोरेगुलेशन की स्ट्रेटजीज और उनकी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। ड्राई लैंड के अंदर, ड्राई लैंड के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे हैं, उसी तरह से वर्टिब्रेट्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन की बात करते हैं और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हम ऑस्मोरेगुलेशन की बात कर रहे हैं। तो ड्राई लैंड के ऊपर भी दो ही ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स के अंदर और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन किस तरह से होती है। पहले हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की, इनवर्टिब्रेट्स, फिर हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की, वर्टिब्रेट्स में ऑस्मोरेगुलेशन किस तरह से होगी। अब पहले तो प्रॉब्लम को देखना चाहिए, जिस तरह हमने फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में कहा, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्या है, वाटर की एंट्री है, तो वाटर को किस तरह से रोका जाएगा कि वो बॉडी के अंदर एंटर ना हो, तो या फिर अगर बॉडी के अंदर वाटर एंटर हो गया तो उस वाटर को किस तरह से बॉडी से बाहर रिमूव किया जाएगा। इसी तरह टेरेस्ट्रियल या ड्राई लैंड एनवायरनमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ड्राई लैंड एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम ये है यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, डायरेक्ट सनलाइट की वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो इस एनवायरनमेंट की पहले हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, प्रॉब्लम क्या है, इन ऑर्गेनिजम्स की प्रॉब्लम है डिहाइड्रेशन। कैसे होती है डिहाइड्रेशन, डायरेक्ट सनलाइट जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पड़ती है तो उस डायरेक्ट सनलाइट की वजह से उनकी बॉडी से वाटर इवेपोरेट होता है। तो डिहाइड्रेशन की मेन वजह क्या है, इवेपोरेटिव वाटर लॉस, कि इवेपोरेशन से जो वाटर लॉस हो रहा है उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगी। और इवेपोरेटिव वाटर लॉस की क्या वजह है, इवेपोरेटिव वाटर लॉस की वजह है डायरेक्ट सनलाइट या फिर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की वजह से या सनलाइट की वजह से क्या होता है, इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो सकती है। अब इस डिहाइड्रेशन, दोनों इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों की प्रॉब्लम यही है। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, सलूशन इसका ये है, इनवर्टिब्रेट्स के पास भी अडाप्टेशन मौजूद हैं और वर्टिब्रेट्स के पास भी अडाप्टेशन मौजूद है। पहले हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की, इनवर्टिब्रेट्स के पास कौन कौन सी ऐसी अडाप्टेशन हैं, इनवर्टिब्रेट्स जो कि इनकी बॉडी से वाटर के लॉस को मिनिमाइज करेंगी। इनवर्टिब्रेट में हम बात करेंगे इंसेक्ट्स की,
इंसेक्ट्स या फिर आर्थ्रोपोड्स की। आर्थ्रोपोड्स ड्राई लैंड इन्वायरमेंट के ऊपर जो इंसेक्ट वगैरह मौजूद हैं उनकी बॉडी से वाटर लॉस या फिर डिहाइड्रेशन हो सकती है, और उस डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इन ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होगा, इन ऑर्गेनिजम्स के पास अडाप्टेशन मौजूद हैं, ऐसी स्ट्रक्चर मौजूद हैं या फिर अडाप्टेशन मौजूद हैं जो कि इनकी बॉडी से वाटर के लॉस को मिनिमाइज करेंगी। आपके सामने मैं एक इंसेक्ट ड्रा कर रहा हूँ, लाइक लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये फ्लाई एक मैंने ड्रा की है, और इसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से ये फ्लाई है, ये इंसेक्ट किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन या फिर अपनी बॉडी से वाटर के लॉस को मिनिमाइज करेगा। ये इंसेक्ट या फिर फ्लाई एक ड्रा की गई, और इसके अंदर हम बात करेंगे ऑस्मोरेगुलेशन की, कि किस तरह से ये फ्लाई इंसेक्ट अपनी बॉडी से ऑस्मोरेगुलेशन या वाटर के लॉस को कम करेगा। अब इस फ्लाई के पास ऐसी अडाप्टेशन मौजूद हैं जो कि इसकी बॉडी से वाटर के लॉस को मिनिमाइज करें। वाटर के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए इन इंसेक्ट्स के पास एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको एग्जोस्केलेटन का नाम दिया जाता है। व्हाट इज एग्जोस्केलेटन? एग्जो का मतलब होता है आउट, स्केलेटन से मुराद है प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर या फिर स्केलेटन। इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर स्केलेटन मौजूद होता है, वो स्केलेटन क्या करता है, इनकी बॉडी से डायरेक्ट सनलाइट की वजह से वाटर लॉस को मिनिमाइज करेगा। तो ये मैं ब्लू कलर से एग्जोस्केलेटन दिखा रहा हूँ जो कि इंसेक्ट्स की बॉडी के गिर्द मौजूद है, इवन इनकी लेग्स वगैरह के ऊपर भी ये मौजूद होता है, तो इसको बोलते हैं एग्जोस्केलेटन। तो इंसेक्ट्स के पास, इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स के पास क्या चीज मौजूद है, दे हैव एग्जोस्केलेटन, इनके पास मौजूद है एग्जोस्केलेटन। इनके पास एग्जोस्केलेटन मौजूद है। एग्जोस्केलेटन क्या चीज है? एग्जोस्केलेटन एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि इन इनवर्टिब्रेट्स की बॉडी के गिर्द मौजूद है, और किस चीज से बनी हुई है ये एग्जोस्केलेटन? लिपिड्स से बना हुआ है, वैक्सीज से बना हुआ है। एग्जोस्केलेटन की अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो एग्जोस्केलेटन किस चीज से बना हुआ है, ये लिपिड्स या फिर वैक्सीज की कवरिंग है, लेदरी या फिर हार्ड कवरिंग, ये कवरिंग है किस चीज की, इंसेक्ट की बॉडी के गिर्द किस चीज की, लिपिड्स या फिर वैक्सीज की, लिपिड्स या वैक्सीज की। और आपको पता है लिपिड्स या वैक्सीज ये क्या है, हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक से मुराद है कि ये वाटर ड्रेडलिंग होते हैं, कि वाटर को अपनी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर नहीं जाने देंगे। तो इनके पास, इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स के पास एक्सोस्केलेटन मौजूद है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी से वाटर के लॉस को मिनिमाइज करते हैं। ये है स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन जो कि इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है। इसी तरह मजीद अडाप्टेशन मौजूद हो सकती हैं, बिहेवियोरल अडाप्टेशन वगैरह मौजूद हो सकती हैं, मेटाबॉलिक अडाप्टेशन वगैरह मौजूद हो सकती हैं। इनवर्टिब्रेट्स में हम एक्सोस्केलेटन की बात की, अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में ऑस्मोरेगुलेशन की प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? वर्टिब्रेट्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स में प्रॉब्लम वही है, वर्टिब्रेट्स की प्रॉब्लम क्या है, वाटर लॉस या फिर डिहाइड्रेशन। वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट टाइप की अडाप्टेशन मौजूद होती हैं। इनकी अडाप्टेशन किस तरह की हो सकती हैं? इनकी अडाप्टेशन मेटाबॉलिक अडाप्टेशन हो सकती हैं, इनकी अडाप्टेशन स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन हो सकती हैं, या फिर इनकी अडाप्टेशन जो है वो बिहेवियोरल अडाप्टेशन हो सकती हैं। तो वर्टिब्रेट्स में वाटर लॉस या डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ऑर्गेनिजम्स के पास अडाप्टेशन मौजूद हैं। कौन कौन सी अडाप्टेशन हैं? अगर हम इन अडाप्टेशन की बात करें, इन अडाप्टेशन में स्ट्रक्चरल से मुराद है इनकी स्ट्रक्चर ऐसी है जो कि वाटर लॉस से
बचाएगी। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इनकी मेटाबॉलिक अडॉप्टेशन, मेटाबॉलिक अडॉप्टेशन, और तीसरे नंबर पे हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे बिहेवियोरल बिहेवियोरल अडॉप्टेशन की। तो ये डिफरेंट टाइप्स की अडॉप्टेशन मौजूद हो सकती हैं वर्टिब्रेट्स के पास, जो कि वाटर के लॉस को कम करेंगी। स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन, स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन किस तरह से वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर वाटर के लॉस से बचा रही हैं। स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन से मुराद है वर्टिब्रेट्स के पास ऐसी स्ट्रक्चर मौजूद है जो उनकी बॉडी से वाटर को लूज होने से बचाएंगी। इस स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन में हम बात करेंगे पहले नंबर पे हम बात करेंगे मल्टी लेयर्ड स्किन की। इन ऑर्गेनिज्म के पास, वर्टिब्रेट्स के पास मल्टी लेयर्ड स्किन मौजूद होती है। मल्टी लेयर्ड स्किन से मुराद है इनकी स्किन की एक से ज्यादा सेल्स की लेयर या फिर कवरिंग पर मुश्तमिल होती है। और दूसरी अडॉप्टेशन है केराटिनाइज्ड या फिर डेड सेल्स। इनकी स्किन जो है वो केराटिनाइज्ड है या फिर डेड सेल्स पर मुश्तमिल है। केराटिनाइज्ड से मुराद है एक प्रोटीन है केराटिन प्रोटीन एपिडर्मस के सेल्स के अंदर स्टोर कर दी जाती है, बाहर वाली सबसे बाहर वाली सेल की लेयर के अंदर स्टोर कर दी जाती है, जिसकी वजह से ये सेल्स डेड हो जाते हैं। इतनी ज्यादा स्टोर कर ली जाती है कि ये सेल्स बाहर वाले सेल्स साइटोप्लाज्म खत्म होने की वजह से डेड हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट सनलाइट से बचा रहे होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाते हैं और साथ में वाटर या फिर डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। तो ये है स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन। स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन में हमने बात की है किस चीज की, कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास या तो मल्टी लेयर्ड स्किन मौजूद है या फिर इनके स्किन की जो लेयर है उसके अंदर मौजूद सेल्स जो है वो डेड हो चुके हैं, किस वजह से, केराटिन प्रोटीन के स्टोरेज की वजह से, जो कि डिहाइड्रेशन या वाटर के लॉस से बचाएंगे। दूसरे नंबर पे मेटाबॉलिक अडॉप्टेशन में हम बात करेंगे, एक अडॉप्टेशन है वर्टिब्रेट्स में एनहाइड्रोबियोसिस। व्हाट इज एनहाइड्रोबियोसिस, यहां पे हम जिक्र करेंगे एनहाइड्रोबियोसिस। इसकी मैं अभी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता हूं इस टर्म को, एनहाइड्रोबियोसिस को। इससे पहले हम बिहेवियोरल अडॉप्टेशन की बात कर लेते हैं। बिहेवियोरल अडॉप्टेशन से मुराद है ऐसी अडॉप्टेशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर उसको किसी प्रॉब्लम से क्या कर रहा हो, छुटकारा दिला रहा हो। बिहेवियोरल अडॉप्टेशन में लाइक जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो उसके अंदर बिहेवियोरल अडॉप्टेशन क्या हो सकती है, वो किसी ऐसी जगह पे मूव कर सकता है जहां पर शेड होगी, जहां पे डायरेक्ट सनलाइट मौजूद नहीं है। तो इसका बिहेवियर अगर हेल्प करे, ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर अगर हेल्प कर रहा हो उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, तो इसको बोलते हैं बिहेवियोरल अडॉप्टेशन। अभी हम बात करते हैं एनहाइड्रोबियोसिस की। व्हाट इज एनहाइड्रोबियोसिस, एनहाइड्रोबियोसिस से क्या मुराद है। एनहाइड्रोबियोसिस ऐसी अडॉप्टेशन है, ऐसी स्टेट है, ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म ज्यादा देर तक वाटर के बगैर सरवाइव कर जाए, इस कंडीशन को बोलते हैं एनहाइड्रोबियोसिस। एनहाइड्रोबियोसिस के अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें, एन का मतलब होता है नहीं, एन से मुराद है नो, हाइड्रो का मतलब है वाटर। ये कौन सी अडॉप्टेशन है, मेटाबॉलिक अडॉप्टेशन है। मेटाबॉलिक किस तरह से, इसकी बात करते हैं। बायोसिस से मुराद है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाला प्रोसेस, लिविंग प्रोसेस। तो एनहाइड्रोबियोसिस क्या है, नो वाटर, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म पानी के बगैर जिंदा रह रहा हो,
किस तरह से मेटाबॉलिक वाटर की मदद से मेटाबॉलिज्म अपना मेटाबॉलिज्म जो है वो उसके मेटाबॉलिक वाटर को यूज करके वो सर्वाइव करता है, इस कंडीशन को बोलते हैं एनहाइड्रोबियोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट शार्प क्वेश्चन आता होता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसको हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं स्ट्रेटजी विच इनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, स्ट्रेटजी या फिर आप लिख सकते हैं फिनोमिना इन विच एडॉप्टेशन या फिनोमिना विच इनेबल इनेबल ऑर्गेनिज्म जो कि ऑर्गेनिज्म को इस काबिल बनाए, किस काबिल टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, वाटर को ड्रिंक किए बगैर। अब इसका मतलब ये नहीं है इन ऑर्गेनिज्म को वाटर की जरूरत नहीं होती, इन ऑर्गेनिज्म को जो वाटर चाहिए होता है वो इनकी मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है, मेटाबॉलिज्म के नतीजे में वाटर के मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दे यूटिलाइज मेटाबॉलिक वाटर, दे यूटिलाइज मेटाबॉलिक, ये मेटाबॉलिक वाटर को यूटिलाइज करते हैं। तो इस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसकी वजह से जो वाटर प्रोड्यूस होता है उस वाटर को यूटिलाइज करते हैं। इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कैंगरू रैट, कैंगरू रैट, कैंगरू रैट, ये कैंगरू नहीं है, बच्चे अक्सर इसको कैंगरू समझते हैं, ये कैंगरू नहीं है, ये माइस है, रैट है, चूहा है। और इसको कैंगरू रैट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उसकी तरह होपिंग करता है, ये जंपिंग करता है। तो कैंगरू रैट एग्जांपल है किसकी, एनहाइड्रोबियोसिस की। इसके अलावा भी कुछ ऐड की जा सकती है ऑर्गेनिज्म, जिस तरह कैमल्स वगैरह भी वाटर के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं काफी अर्से के लिए। तो एनहाइड्रोबियोसिस के अंदर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का मेटाबॉलिक वाटर क्या करते हैं वो यूज करते हैं। तो ये शार्प क्वेश्चन आता होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हमने देखा किस तरह से डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन हो रही होती है। तो ये था ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में ऑस्मोरेगुलेशन की प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस।